नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम आए हुए हैं गुड़गांव विधानसभा के इफको चौक क्षेत्र में और आज जानते हैं कि यहां की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है और क्या उनकी राय है। तो आइए जुड़ते हैं इफको चौक की जनता के साथ। जी सर, आपका नाम? वीरेंद्र जी। इस बार गुड़गांव में ये इफको चौक का इलाका जो किस सरकार के ऊपर, किस पार्टी के ऊपर दाव खेलेगा? ये देखो, पहले थे उमेश अग्रवाल जी, ठीक है जी, और अब नई पार्टी आएगी जो, तो वो देखा जाएगा जैसे भी जहाँ जनता जाती है उसी तरफ। हाँ, तो आइए जुड़ते हैं और भी लोगों से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार नाम है। आपकी तरफ से आप क्या सोचते हैं कि इस बार के जो गुड़गांव में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पूरे हरियाणा के अंदर, गुड़गांव से किस पार्टी को अब इस यहाँ की गुड़गांव की गद्दी मिलेगी? उम्मीद तो बीजेपी की है, बाकी आगे देखो। सर, आपका नाम? सुभेश सिंह। आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? करीब 40 साल से। 40 साल में, और इस बार जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 21 अक्टूबर को, उसकी डेट फाइनल हो चुकी है, आपके हिसाब से क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में कौन हरियाणा की गद्दी पर राज करेगा? चौटाला। आपकी जो मतलब हर इलेक्शन से पहले हर तरीके की पार्टी ये वादा करती है कि हम ये कर देंगे, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब उन वादों को निभाने की बात आती है तब वो गायब हो जाते हैं, ऐसा आपको देखने को मिला है अपने इलाके में? हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे अच्छा जो चौटाला सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल, उसने गरीबों के हित के लिए बहुत अच्छा किया था, गरीबों को कभी परेशान नहीं किया। और इस बीजेपी सरकार में ये देखो, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं या बाइक वाले हैं, इनका जीना हराम है रोड पे। वो कैसे? तो इनके आए दिन चाहे डॉक्यूमेंट पूरे हो, चाहे ऑटो खाली हो, चाहे कुछ भी हो, इनके चालान बगैर मतलब के पुलिस वाले जबरदस्ती काटते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुंदर दास है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? ऐसा जी, हम तो इसी पार्टी को कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारे जो वर्कर उमेश अग्रवाल जी आप थे, तो नरवीर सिंह जी थे, उन्होंने खूब मेहनत करी, सब कुछ किया ना, उनको टिकट मिली ना कुछ, खूब दिल तन मन धन से काम करते रहे, तो हम इतने तो नहीं थे। अब आपका जो रुख है वो किस पार्टी की तरफ? अब जब देखेंगे सर, सोचेंगे। देखो, आदमी को दुख तो होता है, मेहनत करे, सब कुछ करे, उसके बाद बाहर निकाल दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, सही बात है। आने वाले जो इलेक्शन है उसमें अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, सुखबीर कटारिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सुखबीर कटारिया जी पहले थे, उन्होंने कोई काम तो किया नहीं था। जी जी, इससे पहले हाँ, वही थे। हाँ जी, हाँ जी, ना इससे, हाँ इससे पहले वही थे। इससे पहले वही थे। हाँ जी, हाँ जी। और वहीं भाजपा में सुधीर सिंगला को भी टिकट मिली है इस बार? हाँ जी, ये बिल्कुल मालूम नहीं था हमें जी। और इतने वर्कर भी अच्छे नहीं हैं, देखो हमारे हिसाब से तो यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं जी, कोई किसी से राम राम नहीं, कुछ मेल जोल में नहीं है। अनीता अग्रवाल जो है वो इस बार इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हम तो गार्गी भी बहुत मेहनती वर्कर थी, गार्गी जी बहुत मेहनत वर्कर थी, उनके साथ भी बहुत जुड़े हुए हैं हम, उसके बाद उनको भी टिकट नहीं मिली आखिरी दम तक, पता नहीं क्या कर देंगे। तो आप उनको वोट देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा जैसा कि आपने बताया कि उमेश अग्रवाल को आप सपोर्ट करते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। हाँ जी, हाँ जी। तो वहीं अब उनकी धर्मपत्नी की तरफ आपका रुख जाएगा? नहीं, अभी हम विचार करेंगे, अभी कुछ मतलब पक्का नहीं है। ना ना, विचार करेंगे। तो क्या लगता है इस बार हरियाणा के अंदर खट्टर की सरकार होगी या हुड्डा की? ये तो पब्लिक बताएगी, जैसे पब्लिक के साथ बीत रही है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, देखो हर बिजनेस मैन सब दबा हुआ है। और मोहित मदन लाल ग्रोवर के बारे में क्या कहना है? वो भी थोड़ी मेहनत तो कर रहे हैं जी, पब्लिक के साथ जुड़े हुए भी हैं, बाकी तो पब्लिक का रुख ही बताएगा। अगर देखा जाए, अगर पब्लिक के हिसाब से देखा जाए अभी इलेक्शन से पहले, कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा अपना प्रचार जोरों शोरों से कर रही है? प्रचार में तो सारे लग रहे हैं, देख हर कोई सोचता है कि मैं बनूँ जी। और वहीं अश्विनी शर्मा के बारे में क्या होगा? मैं सुन जाएगा, मुझे पता नहीं, पता बाकी जैसे शर्मा जी थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी जी, जी, जी। फिर आखिरी में टिकट नहीं मिली, देखो आदमी हैरान तो परेशान होकर बैठ जाता है। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वो क्या सोचते हैं और किस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं? जी सर, आपका नाम? मोहन। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या सोच है कि किस पार्टी को गुड़गांव का कार्यभार संभालना चाहिए? हम तो बीजेपी को वोट देते हैं सर। पिछली बार बीजेपी के अंदर उमेश अग्रवाल जी थे जो अब, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई है। पिछली बार तो इसलिए आपकी दी नहीं गई उन्होंने टिकट जी। तो क्या उनका कार्यकाल जो था वो अच्छा था इस इलाके में? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके ऊपर जैसा कि कहते हैं कि एक राजा को या फिर एक मंत्री को जिस भी इलाके से खड़ा होना चाहिए उनकी एक साफ छवि होनी चाहिए, लेकिन उनमें कई सारे उनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे मामले दर्ज थे जो कि सही नहीं थे, जैसे रेप का इल्ज़ाम या। तो फिर भी आप उसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो इस तरीके के प्रत्याशी को खड़ा करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? ये तो सब अफवाहें हैं, ये तो सब अफवाहें हैं। अच्छा,
अभी इतना पैसा खर्च करा उमेश अग्रवाल ने, अभी 300 बसें गई थी उसकी वैष्णो देवी। सर आपका नाम? मेरा नाम शौकत है जी, मामा शौकत आलम। गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस और मतलब कहीं पे भी अगर देखा जाए पूरे राष्ट्र के अंदर गुरुग्राम भाजपा और जो कांग्रेस पार्टी है यही एक मेजोरिटी पार्टी है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपके हिसाब से सत्ता में आनी चाहिए? ये कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस जी। और ऐसा क्यों? देख कांग्रेस यू है, कांग्रेस अच्छा सही रूप से दे रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं, अच्छा स्वभाव बोली बोल रहे हैं, अच्छी स्वभाव वाली से कहना चाहते हैं, ठीक है, किसी को ना मारपीट ना फन्ना चिना नहीं करते हैं, गंदा बात नहीं बोलते हैं। आपके जो पिछले जो यहाँ के विधायक थे उमेश अग्रवाल जी, उनको फिलहाल टिकट नहीं मिला, उनकी वाइफ जो है अनिता अग्रवाल वो निर्दलीय पार्टी से खड़ी हो रही है, मतलब किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं ले रही बल्कि खुद के दम पर वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, क्या आप उनको वोट देना चाहेंगे? जी अब देखने के बाद ही उसको देखेंगे क्या है नहीं है, तब इसके बाद हम बोलेंगे सर। उन्होंने जो भाजपा की सरकार थी पिछले 5 सालों में विकास किया है इस इलाके में? नहीं नहीं किया, तो इस वजह तो इसमें आप फिर आगे क्या सोचना है कि मतलब अनिता अग्रवाल को आप देखिए चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, अब जो आप जो वोट आए देने के लिए देखने के लिए उसको हम देखेंगे क्या नहीं है तब आप। तो विधानसभा के चुनाव को लेकर हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त के गुड़गांव के सुखरौली इलाके में और यहां पर हम जानते हैं कि जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चुनाव को किस प्रकार देखती है और आने वाली राजनीतिक गतिविधियों में वो किस सरकार को मौजूदा रूप से देखना चाहेंगी, तो चलिए जुड़ते हैं। जी सर आपका नाम? मेरा नाम धीरज कुमार सिन्हा। सर आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? करीब पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ। सर इन 2 महीनों के अंदर आपने क्या देखा कि मतलब इस इलाके में विकास के नाम पर कुछ है या नहीं? नहीं विकास के नाम पे यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर NCR। अगर मैं किसी और एरिया की बात करूँ NCR में, जैसे कि अपना नोएडा हो गया या फिर दिल्ली हो गई, तो जिस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर है उसके कंपेयर में काफ़ी पीछे है। अगर आप कैमरा घुमा के आप देख सकते हो उस तरफ कि अभी जो सामने सड़क है इतना बिजी शेड्यूल है कि यहाँ पर एक सड़क पार करने के लिए 15 मिनट वेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ट्रैफिक उसके से सड़क की चौड़ाई बहुत कम है, ना कोई ओवर ब्रिज है यहाँ पर, ये तो एरिया फिर भी सही है, पर अगर आप इधर जाओ कापासड़ा बॉर्डर हो गया जी, इतना कंजेस्टेड एरिया है, मतलब कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के लिए कम से कम 15 मिनट वेस्ट करना पड़ता है। हम आपको वैसे बता दें कि ये इस इलाके के नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सर आप इस इलाके के होते और आपको वोट देने का मौका मिलता हरियाणा सरकार के मंत्री को, तो आप किस पार्टी को वोट देते? इट डजेंट मैटर कि पार्टी कौन सी आ रही है, पर पार्टी जो भी हो, जैसे कि अभी हर एरिया में बीजेपी का काफ़ी बोलबाला रही है, उमेश अग्रवाल यहाँ के विधायक हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखा जाए तो दिल्ली में यहाँ पे केजरीवाल जी है, ठीक है, बेशक वो बीजेपी को बिलोंग नहीं करते, पर हाँ उनका एक अच्छा होल्ड बना हुआ है उनके जो उन्होंने अभी तक काम किए उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन सी पार्टी है, पार्टी कोई भी हो पर विकास होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा यहाँ के CM हैं खट्टर जी और आने वाले अगर जैसे अगर मान लीजिए कांग्रेस के जो हुड्डा हैं उनके बीच में से किसको यहाँ का CM बनना चाहिए हरियाणा का, बीजेपी या कांग्रेस? आई थिंक ये शुड बी बीजेपी। सर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जुड़ते हैं हरियाणा के युवा से कि वो क्या सोचते हैं आने वाली राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जी सर आपका नाम? फरमान। आप इसी इलाके से? नो सर मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद गुड़गांव? गुड़गांव नहीं फरीदाबाद दिल्ली में, मतलब NCR है दिल्ली। दिल्ली NCR है लेकिन गुड़गांव के क्षेत्र में आता है। गुड़गांव में आता है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर खट्टर या फिर हुड्डा इनमें से किसको CM बनना चाहिए? बेस्ट खट्टर। खट्टर और पार्टी? पार्टी बीजेपी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा ही हमें हरियाणा का नेतृत्व करनी चाहिए आने वाले समय में? बीजेपी मेरे को खट्टर पसंद नहीं है, खट्टर ने इतने अच्छे काम नहीं किए, बट बीजेपी के जो काम है वो काफ़ी गोरे हैं। बीजेपी इन द सेंस मतलब कौन से किन कामों को लेकर आप ये चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर, जबकि आप साफ साफ कह रहे हैं कि खट्टर जी का समय जो है, खट्टर जी का जो विकास का जो मंत्र था वो यहाँ पर फीका पड़ा है, लेकिन फिर भी आप उनको लाना चाहेंगे ऐसा? क्योंकि सर ये बीजेपी का राज है, राजनीति चलती है ऊपर से, जैसे कि हमारे मोदी जी ने काफ़ी कुछ करा है देश के लिए, काफ़ी कुछ कर रहे हैं और वो ग्रोथ करना चाहते हैं क्योंकि उसकी जनता पॉलिटिशियन साथ नहीं दे रही है। जैसे कि अब मनोहर लाल खट्टर के लिंक लेंगे तो इन्होंने अभी एक योजना चलाई थी जिसने आपने न्यूज़पेपरों में भी काफ़ी पढ़ा होगा, ये आपकी जनधन योजना थी, बीमारी की योजना थी लोगों के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी कुछ करा उन्होंने, लेकिन ये क्या था कि सारा अथॉरिटी सरकार की तरफ से थी, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो करा बेस्ट करा, लेकिन जो उनके पीछे से सपोर्ट थी सारी बीजेपी की थी, तो इसलिए मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगा इस बार भी और अगली बार भी, आने वाले 10 साल भी बीजेपी को ही दूंगा।
तो मतलब आपका ये कहना होगा कि मनोहर लाल खट्टर की वजह से नहीं, बल्कि जो बीजेपी अगर कहीं भी जीतेगी तो उसका कारण सिर्फ एक होगा, वो है मोदी जी। मोदी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी का इतना योगदान नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में उन्होंने काफ़ी चीज़ें करी है, लेकिन वो प्रोसेसर बहुत स्लो है, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आप अदर पार्टी की बात करोगे, NLD है, BJP है, कांग्रेस है, सारी घोटालेबाजी सरकार। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, काफ़ी हॉस्पिटलों में वैसे काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है उसका, भ्रष्टाचार काफ़ी कम करा। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि ये भी थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैं राजनीति का सबको थाली का चट्टा बट्टा मानता हूँ, वो भी कांग्रेस के लिए। अभी आपने पीछे इलेक्शन में पढ़ा होगा, जब ये अरविंद केजरीवाल ने कौन सी थी मैं याद नहीं रहा, मेरे को न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें मैंने देखा था कि उसका भी कुछ घोटाले बनती है, सारी सरकार घोटालेबाजों की है। मोदी ने बहुत, अब आपने अगर पिछले ज़माने में जाओगे, कोयला घोटाला, उपटन घोटाला, 2G स्पेटम घोटाला, सारे घोटालों को लोगे तो 10,67,000 करोड़ का घोटाला, जो कि कांग्रेस राज में हुआ था, आज तक उसका कोई नाम नहीं है कोर्ट के कचहरी के अंदर। तो मतलब और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर किस पार्टी का हरियाणा से बिल्कुल पत्ता साफ होने वाला है? साफ तो कांग्रेस का ही होगा, सबका ही है, बाकी मेरा वोट जो होगा दुनिया की मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया को क्या है कि लोग चाहते हैं मार्केट में काम हो, काम हो, काम। इस टाइम इतना मार्केटिंग ढीली है कि लोग आने वाले 3 महीने में अगर काम नहीं होता तो मोदी सरकार को गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि लोग, जनता चाहती है कारोबार, और कारोबार नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे, और जब भूखे मरेंगे तो कौन सी सरकार को वोट देंगे कि भाई ये तो भूखी थी, कांग्रेस अच्छी थी। तो सर यही वजह है कि लोग भूखे, और भुखमरी इतनी है हमारे देश के अंदर कि उस भुखमरी की वजह से लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में ले दे के हर काम होता था। आज हेलमेट वो खत्म हो गया है, अब वो खत्म हो गया। आज चालान इतना महंगा है कि आज अगर आप बाइक से चलो 4 बंदे नहीं चल पाएंगे, क्यों? उन्हें डर है, उनकी सेफ्टी नहीं थी। कल कांग्रेस राज में 5 बंदे बाइक में बैठ के गलियों में कुत्तों की तरह हांटते थे, आज नहीं हांटते। क्यों नहीं हांटते? क्योंकि उन्हें पता है हेलमेट सेफ्टी है। तो ये थी हरियाणा के युवा की सोच कि आने वाले समय में वो चाहे कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वोट उनका सिर्फ भाजपा को ही जाएगा। तो आइए जुड़ते हैं और भी लोगों के साथ और जानते हैं कि क्या है उनका हाल और उनकी राय आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जी सर, आपका नाम? चंदन। ऐसा क्या है जो आपने बीते 5 साल झेला और जो बीते 5 साल है आपने अच्छा देखा अपने इलाके के अंदर? 5 साल तो आपने मंदा देखा जी, और 5 साल में कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छा देखा। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को हरियाणा पर राज करना चाहिए? BJP को, भारतीय जनता पार्टी को। मनोहर लाल खट्टर या फिर हुडा, इनमें से किसको आप चाहेंगे कि हरियाणा का CM बने? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। जो उमेश अग्रवाल जी थे, जो पिछले आपके यहाँ के विधायक थे, क्या उन्होंने इस इलाके में विकास को लेकर कुछ नए नए मुहिम चालू की थी उन्होंने? कमजोर राज है उनका, अब उनको टिकट नहीं मिली है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो निर्दलीय पार्टी से खड़े हो रही हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद कमी है। और ऐसा क्या है जो आने वाले समय के विधानसभा चुनाव में आप ऐसी क्या चीज़ें हैं जो चाहेंगे कि आने वाला CM करे? आने वाला CM ये है कि प्रशासन अच्छा हो, और रोज़गार की भी मंदी चल रही है, उसका इन्वेस्टमेंट हो, हमारे लिए सुरक्षा जो व्यवस्था किया जाए, यहाँ रेंट की बहुत बड़ी मार है जी, प्रदेशवासियों के लिए रेंट की बहुत बड़ी मार है, उसको कम किया जाए। भाजपा, कांग्रेस, जजपा पार्टी या फिर INLD, इन पार्टियों में से आप किसको, किस पार्टी का समझते हैं कि बोलबाला होगा हरियाणा में? BJP का, भारतीय जनता पार्टी। और सबसे कम वोट्स आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को मिलेगी? कांग्रेस को। सर आपका नाम? रवि। इस इलाके के जो अभी फिलहाल में विधायक हैं, गुड़गांव के विधायक हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे, मैं तो अपनी प्रॉब्लम है वो बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट गायब होती है कभी भी, किसी भी टाइम, पता नहीं है कब आएगी। दूसरी समस्या यहाँ पे जल भराव की बहुत समस्या है, यहाँ पे ये जो गली आप देख रहे हैं जी जी, ये बारिश के समय में बिल्कुल यहाँ तक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये छोटी मोटी समस्या है, इनका ही अभी तक सोल्यूशन नहीं हो पाया है। तो 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर आप क्या सोचते हैं कि किस सरकार को हरियाणा में आना चाहिए या इस गुड़गांव के अंदर आना चाहिए? मेरा तो यही मानना है कि BJP जो गवर्नमेंट है, मोदी जी है, वो ठीक काम कर रहे हैं, बाकी और हैं वो नीचे वो। सर मोदी जी तो ठीक काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन एक विधायक होने के नाते, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव, ये MLAs के लिए होते हैं जो कि CM को बनाते हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए आप एक ऐसा CM और ऐसा विधायक अगर किसी को वोट करना चाहे तो वो किस पार्टी को करना चाहिए? मैं तो, मेरा तो मानना ये है कि खट्टर ही बेस्ट है जी। और विधायक के लिए इस बार भाजपा की उमेश अग्रवाल जी को टिकट ना मिलकर किसी और को मिली है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है,
किसको क्या टिकट मिली है। नहीं मतलब आपको किसी उम्मीदवार से मतलब है या सिर्फ पार्टी से मतलब है कि पार्टी मेरे को पार्टी से मतलब है, उम्मीदवार कैंडिडेट के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। तो मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर आए तो बीजेपी पूरी सत्ता के साथ आए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सत्ता के साथ अगर बीजेपी आए तो मोर बेटर देन। सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जुड़ते हैं सुखरौली इलाके की जनता की और भी लोगों से। जी सर आपका नाम? जितेंद्र सुखरौली। सर इस इलाके की राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके की राजनीति के बारे में ये है कि यहाँ पर जो सरकारें बनी हैं पहले वो या तो यहाँ का जो पैसा जो रेवेन्यू आता था या तो उसको वो लेगी रोहतक या वो लेगी हिसार भिवाड़ी साइड में। यहाँ का जो रेवेन्यू जो आया वो कभी यह लगा नहीं है। मौजूदा जो सरकार है वो काम ठीक ठाक कर रही है। उमेश अग्रवाल जी की भाजपा सरकार नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट काम ठीक ठाक कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं जो MLA के इलेक्शन और MP के इलेक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर MP का इलेक्शन लड़ा जाता है, यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे में विधानसभा का चुनाव, हाँ यहाँ पर व्यक्ति जो खड़ा हुआ है विधानसभा में उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों से मिलता है या जुलता है। तो यहाँ का जो लोकल जो मुद्दे है ना जो उस पर इलेक्शन होगा ये। सर मतलब लोकल मुद्दे हैं जैसे सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इन्हीं चीज़ों से लेकर, तो आप क्या अभी जो मौजूदा सरकार है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें उनकी सरकार में ठीक थी? नहीं, जो ये जो आज की जो हम इस इलेक्शन की बात करें जी, तो इस इलेक्शन के अंदर जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे रोड, बिजली, पानी जी, जी, बेसिक जो नीड्स हैं वो जो इस मौजूदा सरकार ने गुड़गांव में जो होना चाहिए था अपेक्षित वो नहीं कर पाई और इससे ज़्यादा होना चाहिए था गुड़गांव में, क्योंकि बहुत रेवेन्यू आता है यहाँ पर और विकास की जहाँ तक चाहिए गुड़गांव को, क्योंकि ये महानगर है जी। इसमें फ्लाई ओवर्स होने चाहिए, लाल बत्ती जो रेड बत्ती है वो नहीं होनी चाहिए और जहाँ जाए फ्लाई ओवर की ज़रूरत है फ्लाई ओवर बने, और बस स्टैंड है, सिविल हॉस्पिटल, यहाँ पर आबादी जो 15 लाख आबादी है लेकिन यहाँ पर एक सामान्य हॉस्पिटल है जहाँ पर आम आदमी इलाज के लिए वो सिविल हॉस्पिटल जाता है, उसके बाद सफदरजंग के लिए जाता है गरीब आदमी। यहाँ पर कम से कम 4 बड़े हॉस्पिटल बनने चाहिए थे लेकिन यहाँ नहीं है, एक सामान्य हॉस्पिटल है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? आने वाला जो विधानसभा होगा इसमें हम सुखबीर कटारिया जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उसको हम अपना वोट देना चाहेंगे, वो भी हम उनसे पर्सनली टचमेंट उनके कामों को देखते हुए या उनके पर्सनल टचमेंट के हिसाब से हम उसको वोट देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर या फिर हुड्डा, इनमें से कौन यहाँ का CM होना चाहिए हरियाणा? गुड़गांव की जो विधानसभा की बात करता हूँ तो हम अपना जो नेता है वो सुखबीर कटारिया अपने यहाँ का विधायक देखना चाहते हैं। और वहीं अगर CM की बात करें, CM जो हमारा जब नेता यहाँ से विधायक चुनेंगे तो वो जो विधायक जो आगे वोट करेंगे वो बेसिकली तो मतलब आप सपोर्ट करेंगे। तो आपका क्या मतलब मानना है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे आने वाले टाइम में बोलबाला होना चाहिए? नहीं, जो हुड्डा साहब की जो नीतियाँ हैं और जो हमारे पीछे जो घटना घटी थी जिसमें 80 लोगों को 90 लोगों को जो गोलियों से पीछे मारा था गवर्नमेंट ने, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकल जो है आम आदमी से रिलेटेड मुद्दे हैं। और इसमें हम तो चाहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बने हरियाणा में और बहुमत से आए, यही हम चाहेंगे कि सुखबीर कटारिया यहाँ का विधायक बने और आगे सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बने। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के सदर बाजार इलाके में, तो आइए जानते हैं कि जनता से कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं। जी सर आपका नाम? पंकज। सर आने वाले चुनाव के अंदर आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? पार्टी को वोट देना हम पब्लिक को नहीं बता सकते किसी को किसको देना है, बट जो भी मौजूदा सरकार है उसको अभी गुड़गांव में और काम करने की ज़रूरत है। यहाँ की सड़कें, ओल्ड गुड़गांव की सड़कें। सर यहाँ के जो विधायक थे उमेश अग्रवाल को यहाँ की सीट से निकाल दिया गया है और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कहा, अनीता अग्रवाल को जो उमेश अग्रवाल यहाँ के विधायक थे, उन्होंने अपनी पत्नी को गुस्से में आकर क्योंकि उनको भाजपा ने टिकट नहीं दी है इस बार और इस बार भाजपा से सुधीर सेंगल खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो जनता के लिए काम करे, चाहे उमेश अग्रवाल हो या कोई भी हो, जनता यही चाहती है कि काम हो। तो आप मतलब एक बार को हर किसी जनता के हर किसी लोग आदमी की एक सोच होती है कि ये पार्टी यहाँ पर अच्छा कार्य कर रही है, ये पार्टी यहाँ का बुरा कार्य कर रही है। मैंने बता दिया कि जो गुड़गांव में काफ़ी काम हुआ है जी, बट अभी भी ओल्ड गुड़गांव में जो सड़कों की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। मतलब गुड़गांव की भारी खूबसूरती पर तो ध्यान दिया जा रहा है लेकिन अंदर में जैसे ही हम आते हैं तो
आईना कुछ और ही दिखा। नया गुड़गांव है, वहाँ पर काफ़ी काम होते हैं, बस ओल्ड गुड़गांव में और काम होने की जरूरत है। तो आइए जुड़ते हैं और भी लोगों से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, मैं लक्ष्मण विहार में रहता हूँ, गुड़गांव विधानसभा है। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अभी ऐसी क्या नीतियाँ होंगी कि जिन पर आप निर्भर होकर वोट करेंगे आने वाली पार्टियों को? निर्भर होकर वोट करने का मतलब ये है कि जिसमें देखा जाएगा कि उस योग हैं विधानसभा भेजने जो, हम उन्हीं को चुनेंगे। वैसे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? अगर सपोर्ट तो अभी तक हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। जिसको लगेगा कि वो मतलब उस योग है उसको हम लोग मतदाता करेंगे और उसको हम विधानसभा भेजेंगे, चोरों को नहीं भेजेंगे। अच्छा, हाँ। और आपकी नज़र में चोर कौन कौन सी, मतलब किन किन को आप चोर मानते हैं कि इनको तो ये बिल्कुल इनकी सरकार बिल्कुल? सारे पार्टियों को देख लिया गया पिछले 20-30 साल में, हमको होश हो गया यहाँ रहते हुए, सब पार्टियों को देख लिया गया। और यहाँ तक हमें उम्मीद है, जहाँ तक कि गुड़गांव विधानसभा और बदसापुर विधानसभा में मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि मतलब यहाँ ना बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी, जो भी आएगा वहाँ से निर्दलीय कोई विधायक चुन करके आएगा दोनों विधानसभा से। अभी यहाँ पर उमेश अग्रवाल जो पहले विधायक थे उनको टिकट नहीं दिया गया भाजपा से, और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी अनीता अग्रवाल को निर्दलीय पार्टी से इलेक्शन लड़वाने का फैसला लिया और उनको टिकट भी मिल चुकी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कितना लगता है उनको, मतलब नहीं जीतेंगे वो, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व होता तो वो मतलब भाजपा में ही नहीं रहते। यदि भाजपा के वो सपोर्टर होते, कुर्सी के लालच नहीं होती उनके पास, तो भाजपा छोड़ करके अपने वाइफ को चुनाव नहीं लड़ाते, भाजपा में ही बने रहते वो। मदन लाल ग्रोवर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मदन लाल ग्रोवर जी के बारे में देखो, वो तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे भी माना जाए कि वो यंग लड़का है, पढ़ करके आया, उनका छवि मतलब कहीं मतलब वो नहीं है कि कहीं रेप में नहीं है, कहीं उसमें भ्रष्टाचारी में नहीं है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि मदन लाल ग्रोवर जी जो है, मोहित मदन लाल ग्रोवर जी, उनको काफ़ी मतलब हर जगह मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ चर्चा में, मतलब मैं सुन रहा हूँ कि मोहित मदन लाल ग्रोवर जो है वो सही हैं, साफ छवि के आदमी हैं। उनके पिताजी के नाम पर भी लोग कहता है कि मदन लाल जी बहुत मतलब जुड़े हुए हैं गरीबों से, चाहे जो भी गया उनके यहाँ से वो खाली हाथ नहीं गया, वापस नहीं गया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि मोहित लाल ग्रोवर यहाँ से मतलब विधानसभा, वो भी निर्दलीय से ही है ना? निर्दलीय से हैं, तो मतलब आपका पूरा सपोर्ट है कि मदन लाल ग्रोवर जी को ही, मोहित मदन लाल ग्रोवर जी को ही हम इस बार इलेक्शन जीते। जी जी जी। तो उस कुछ उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में बताइए और कुछ उनके बुरी चीज़ों के बारे में बताइए। उनके वो तो मतलब मैं बुरी चीज़ तो सुना नहीं, जो भी सुना अब तक मतलब उनके बारे में सही सुना, उनके फादर के नाम पे भी या मोहित मदन लाल ग्रोवर के नाम से भी मतलब सुना कि मतलब उनके पास ना भ्रष्टाचार है, ना उनके ऊपर कोई बलात्कार का केस है, ना कुछ है। मतलब एक ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से अगर इलेक्शंस के लिए चुना जाए तो उसकी एक छवि सबसे साफ हो, जो कि लगातार कुछ हमने पार्टीज़ देखी हैं जिनके अंदर उनके जो प्रतिनिधि थे उनको उनकी खराब छवि की वजह से उस इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, और उसका अभी ताज़ा उदाहरण जो है वो उमेश अग्रवाल जी का देखा जा रहा है, जिनको टिकट ना देकर उनकी जगह सुधीर सिंगला जी को टिकट दी गई और उन्होंने इसी बात पे ताव में आके, गुस्से में आके अपनी पत्नी को निर्दलीय पार्टी, जिनमें अनीता अग्रवाल को वहाँ से निर्दलीय पार्टी से इलेक्शन लड़ने को तैयार किया है। अब देखना होगा कि अनीता अग्रवाल निर्दलीय पार्टी से इलेक्शन जीतती हैं या नहीं। जी सर, आपका नाम? विनीत तिवारी है। सर, आने वाले कुछ ऐसी आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 21 अक्टूबर को होने वाले हैं, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी का हरियाणा में आना चाहिए? देखिए, कोई पार्टी के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कोई पार्टी ऐसा आए जो कि अच्छा काम करे। बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, नौकरी कम पैसे मिलते हैं और ज़्यादा परेशानी होती है और शोषण ज़्यादा करते हैं। जो वर्तमान यहाँ की अभी सरकार थी, जो मतलब अब तो उनको टिकट नहीं मिली है क्योंकि उमेश अग्रवाल जी को टिकट देने से भाजपा ने साफ साफ मना कर दिया है, और इस बार उनकी जगह सुधीर सेंगल जी यहाँ से खड़े हो रहे हैं, और इसी बात पे ताव में आकर उमेश अग्रवाल ने अपनी बीवी को निर्दलीय पार्टी से इलेक्शन लड़ने को कहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका जो काम है वो लक्ष्मण विहार इलाका से मैं हूँ जी, तो गली नंबर 10 से, तो वो काम तो थोड़ा अच्छा किए हैं, लेकिन अब किस कारण उनको टिकट नहीं मिला ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आगे देखा जाए जो हो। बीते 5 साल यहाँ की जनता, गुड़गांव की जनता जो है वो दुख में रही या फिर खुशी में रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ जनता तो खुशी में भी है, कुछ जनता दुख में भी है। नहीं, जैसे सड़कों को लेकर हर तरह की सुविधा जो होती है, जो इनका काम होता है सरकार का, कि हर चुनाव में शुरुआत के अंदर तो ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस इलाके में आके झांकते तक नहीं है, इसके बारे में तो हुआ है सर।
जो कि बड़े बड़े वादा हुआ है कि रोड का काम करेंगे, ये करेंगे, शुरू में जब चुनाव आया तो करने के लिए बोले, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इन चुनावों में मदन लाल ग्रोवर का, जो मोहित मदन लाल ग्रोवर है, उनका नाम काफ़ी सामने आ रहा है कि वो लोगों से जाके मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों के अंदर उनका कुछ? हाँ, रहेगा, उनका रहेगा। वो मेरे से भी मिले हुए हैं, मेरे गली में भी गए हैं, तीन चार गली मेरे लक्ष्मण विहार में उन्होंने गया और सारा कुछ उन्होंने बोला। तो क्या लगता है, इस बार हरियाणा की जो सरकार, हरियाणा की जनता है, वो मोदी को वोट देगी या फिर खट्टर के खिलाफ देगी आंदोलन? नहीं नहीं, मोदी को वोट देगी। गुड़गांव में मोदी को वोट मिलेगा जी, लेकिन वो कह नहीं सकते कि क्या होगा आगे, क्योंकि निर्दलीय भी बहुत खड़े हैं और बीजेपी से भी बहुत हैं और कांग्रेस से भी बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी किसी को टिकट ऐसे लोगों को नहीं दिया और ना बीजेपी में मिला है। चलिए जुड़ते हैं गुड़गांव विधानसभा के और भी लोगों से। जी सर, आपका नाम? एहसान अली। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि गुड़गांव की जो जनता है वो मोदी को वोट देगी या खट्टर को टक्कर देगी? खट्टर को टक्कर देगी, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा का इस बार थोड़ा लग रहा है। लग नहीं रहा भाजपा ने, या नरेंद्र मोदी की जो सेंटर में गवर्नमेंट बनी है, वो नरेंद्र मोदी ने अपनी राष्ट्रीय लेवल पे जो नारा दिया था राष्ट्रीयता का, नेशनलिज्म का, उस पर उसने गवर्नमेंट बना ली। बाकी नरेंद्र मोदी झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है, एक झूठ का गुब्बारा छोड़ता है और लोग उसके बहकाए में आके वोट दे देते हैं, बाद में पछताते हैं। आज देश की हालत ऐसी है कि देश में बेरोजगारी बहुत है, आर्थिक मंदी है, दुकानदार जो खुदरा व्यापारी उनके पास काम नहीं है, उनके ऊपर GST टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस सरकार ने लगा दिया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र हुड्डा होंगे या फिर मनोहर लाल खट्टर? भूपेंद्र हुड्डा की हमें आशा लगती है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है किसी भी तरह का, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है उन्होंने वही पॉलिसी अपनाई जो नरेंद्र मोदी की, जैसे नरेंद्र मोदी नारा देते हैं वैसे ही मनोहर लाल खट्टर नारा देते हैं, क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ हरियाणा के अंदर। और एक PhD को PN की नौकरी मिली है यहाँ हरियाणा के अंदर, जिसमें जिस स्कूल में जिस कॉलेज में वो PhD पानी पिलाता है, उस PhD को ये कहा गया कि भाई आप पानी के बजाय एक क्लास पढ़ा लिया करो, जो BSc और MA है वो लगे हैं यहाँ PN, बाकी यहाँ नौकरियाँ बिकी हैं, नौकरियों को बेका गया है हरियाणा के अंदर। तो सर, मतलब इसका कहीं ना कहीं आप इसका जिम्मेवार सरकार को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं, सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के भ्रष्ट जो मंत्री जो है वो जिम्मेदार है, और यहाँ जो गुड़गांव का विधानसभा का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ सुखबीर कटारिया निकलने की उम्मीद है। सुखबीर कटारिया का, बिल्कुल, जो कांग्रेस का जी। तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, रीजन है उसमें कांग्रेस को सपोर्ट करने के, ये धर्म की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, कांग्रेस धर्म और जात की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस राष्ट्र की राजनीति करती है, कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। जो अभी फिलहाल एक और नाम प्रत्याशी का नाम काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के अंदर गुड़गांव के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं आ रहे हैं उसमें काफ़ी उज्ज्वल हो रहा है, जिनका नाम है मोहित मदन लाल ग्रोवर, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मोहित मदन लाल ग्रोवर के साथ जो है वो नौजवान तबका है और कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी गुड़गांव में वोट ही नहीं है। अच्छा। और मोहित मदन लाल ग्रोवर अपने पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं, और वो अपना एक सेटअप रखते हैं, उस सेटअप को जिसमें गाने गाने वाले हैं। अच्छा। जिसमें उनका DJ का है सिस्टम। अच्छा। अच्छा। जिसमें वो पैसे देके लोगों से फंक्शन करा रहे हैं मोहित मदन लाल ग्रोवर, जहां लोग पैसे देके फंक्शन कराते हैं और गाना सुनकर खाना खा के भीड़ इकट्ठी होती है, वो वोट नहीं होती। तो इस बार का मतलब चुनावी क्या लगता है कि मतलब पूरी हरियाणा के अंदर किसकी सरकार होनी चाहिए? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। सर, हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम? संजय कुमार। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप राजनीति को किस प्रकार देखते हैं? कैसे कहना, क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे कि हर जगह देखते हैं कि हम पहले की कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जो होती है वो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है और चुनाव आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उस एरिया में, उस इलाके में, उस विधानसभा में आके झांकती तक नहीं, इसके बारे में आप? ऐसा कुछ नहीं है, खट्टर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और शायद उम्मीद है कि आगे भी यही अच्छा काम करेगी। आने वाले विधानसभा में आप किसको वोट देना चाहेंगे? अपनी तय की पार्टी है, अपनी तय की पार्टी है, कमल का फूल ओनली। अगर चाहे कोई भी किसी और को खड़ा करो, चाहे कोई भी खड़ा हो जाओ BJP ओनली। सुधीर सिंगला जी इस बार खड़े हो, कोई भी खड़ा हो जाओ BJP से, फूल कमल के फूल से, ओनली फॉर BJP। तो ये जो आप सुधीर सिंगला की तरफ से वोट दे रहे हैं, मोदी जी की तरफ से? मोदी जी से, मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी से। अगर वहीं हम बाकी प्रतिनिधियों की बात करें
तो मदन लाल मनोहर का क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? है थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा है उनका भी, अच्छी लीड करेंगे वो भी। और अश्विनी शर्मा का क्या हाल होगा? नहीं उनको कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं है मतलब अभी यहाँ शहर में कोई नहीं जानता नहीं अभी। निर्दलीय पार्टी की तरफ से वैसे हाँ जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मोहित मदन लाल ग्रोवर हाँ थोड़ा सा लीड कर जाएंगे। मतलब किस तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, हर चीज़ में पब्लिक से मिल रहे हैं और डिबेट वगैरह कर रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ले जा रहे हैं। एक चीज़ हमें ये पूछनी थी कि हरियाणा में जो चुनाव के जो प्रचार होते हैं, पब्लिसिटी होती है, वो दूसरे तरीके से होती है, कुछ अलग तरीका होता है, जैसे डांसर्स को बुलवा के नचवाना इस तरीके के? नहीं नहीं इसको नहीं, इसको नहीं मानते, गलत मानते हैं। इस बार का नहीं है ऐसा? नहीं होगा भी नहीं ऐसा। और क्या बीते 5 साल आपने जो इस इलाके में दर्द के साथ झेले या खुशियों के साथ बिताए? नहीं नहीं ना खुशी ना गम, मतलब न्यूट्रल रहा। हाँ बढ़िया। सड़कों और पानी को लेकर ना गलत करा ना अच्छा करा ना गलत, अच्छा नहीं करा तो गलत भी नहीं करा। तो मतलब आपका पूरा सहमत है, पूरा योगदान, पूरा पूरा योगदान है खट्टर जी के साथ, भाजपा के साथ। और वहीं अगर बात करें उमेश अग्रवाल की, तो उमेश अग्रवाल की पत्नी जी जो इस बार निर्दलीय पार्टी की तरफ से लड़ रही हैं, खुद की तरफ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो सर समय ही बताएगा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आपका नाम? राम अवतार मंगला। सर आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? बीजेपी। सर ऐसा क्यों? बीजेपी इसलिए कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, उसके बाद में खट्टर अच्छा काम कर रहा है हरियाणा में। लेकिन वहीं अगर सीएम की बात छोड़कर अगर हम विधायक की बात करें, तो इस इलाके में जो पिछला जो विधायक थे जिनकी अब टिकट नहीं उनको मिल पाई है, लेकिन इस बार भाजपा की तरफ से सुधीर सिंगला जी लड़ रहे हैं। सुधीर सिंगला लग रहा है जी। तो अगर देखा जाए तो एक विधायक की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्होंने काम किया है? विधायक के उमेश अग्रवाल ने काम कुछ नहीं करा है, पैसे जरूर खर्च कर रहे हैं, वो यात्राएं करवा रहा था अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा। अपने फ़ायदे के लिए यात्रा कर रहा है कि दोबारा वोट मेरे को मिले, बाकी कोई काम उसमें नहीं करा उसने। वहीं अगर मोहित मदन लाल ग्रोवर की बात करें जो निर्दलीय, नहीं मोहित मदन लाल को नहीं, कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? भाई उसके बारे में बस वोट काटने वाली बात है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं उमेश अग्रवाल की जो पत्नी है उनका भी, वो भी वोट ही काटेगी, वो दोनों का फायदा ही उसको सुधीर सिंगला को मिलेगा। अच्छा 100% दोनों का फायदा। रोहित मदन लाल ग्रोवर जो है वो पंजाबी है। अच्छा। उमेश अग्रवाल की घरवाली पंजाबी है, बनिए के घर में आ गई बने नहीं बन गई, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये जो खड़े हुए हैं सिर्फ वोटों की चक्कर में है कि भाई वोट कटेंगी और कोई वो नहीं है बस। और अश्विनी शर्मा का क्या हाल होगा? अश्विनी शर्मा वोट तो लेगा, वोट काटने वाली बात है, जीतने वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर उनकी कुछ अच्छाइयां हैं बुराइयों की बात करें उसके बारे नहीं में? वैसे उसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छाई भी, वो खास बात नहीं है, मतलब बस ठीक है। वोट काटने के लिए ही उनका उपयोग किया जा रहा है? मतलब नहीं ये नहीं कहा उपयोग किया जा रहा है भाई, अपने खड़ा तो कोई भी हो सकता है, हम भी खड़े हो सकते हैं, बाकी वोट वो जरूर लेगा। वोट उसको मिलेंगे। और आपका समर्थन भाजपा? बीजेपी, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर। आपका नाम? ईश्वर चंद। सर इस बार मोदी जी पर वोट या खट्टर पर होगा बार? ऐसे है ये जो बेचारे ये जो पटरियों वाले हैं ये बेचारे बेरोजगार करती हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है बेचारों पास, कभी कोई तंग करता है, कभी कोई तंग करता है, कभी नगर निगम वाले तंग करते हैं इनको, कभी कोई कम, तो इसीलिए इनकी बहुत परेशानी है। पहले तो इन बच्चों गरीब आदमियों का रोज़गार देखना है, रोज़गार जो पार्टी देगी उसी के बारे में सोचा जाएगा ना जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके भावी विधायक से आपकी क्या उम्मीद है? अभी फिलहाल तो कोई किसी से हमारा कोई रुझान नहीं है अभी जी। तो बाकी जैसे माहौल देखेंगे उसके हिसाब से किया जाएगा। कई सारी चीज़ें होती है ना कि वादे किए गए लेकिन उनको पूरा नहीं किया, क्या वायदे तो कोई भी पार्टी नहीं करती पूरे, कभी कभी आज तक किसी ने किया ही नहीं है। अभी टोल टोल के लिए इन्होंने पहले टोल के लिए कहा था टोल हटाएंगे टोल हटाएंगे, आज तक टोल नहीं हटा, क्या काम किया इन्होंने? कोई किसी ने कोई काम नहीं किया, सर अपना स्वार्थ देखा सभी ने, कहना मैं। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? मेरी लाइफ यहीं से पैदा ही है, मेरी पैदाइश यहीं से है। सबसे अच्छी सरकार और सबसे अच्छा विकास किस सरकार के? वो समय चले गया पहले वाले, वो समय चले गए, जो काम करने वाले थे वो चले गए। और
और किसी अन्य पार्टी का अगर बारे में अगर बात करना चाहे जैसे नहीं और मेरे को किसी से लोकदल मेरे को और किसी से पार्टी से कोई लेना किस तरफ रहेगा वो तो समय बताएगा जैसे वो तो समय बताएगा सामने नहीं हाँ लेकिन फिर भी एक कहने के लिए कि मतलब अगर एक आइडिया मिल जाता है जनता को कि भाई हाँ ये नहीं अपना देखो आप जो ये वोटर है वो बहुत समझदार है वो पहले वाला बेवकूफ़ नहीं रहा जैसे ये लोग बना के वोट ले लिया करते थे अब वो चीज़ नहीं रही पहले लोगों में अब वोटर जो है बहुत समझदार है उसको अपने प्लस माइनस का पता है भाई मेरे को किसने बेनिफिट दिया है किसने नुकसान दिया है किसने क्या किया है ये सब समझता है वोटर ऐसी बात नहीं इस बार निर्दलीय जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसे अनीता अग्रवाल मोहित मदनलाल ग्रोवर विकास दिनेश कुमार देखो जी वो लड़ने को तो सभी लड़ सकते हैं कोई पाबंदी थोड़ी है किसी के ऊपर कहना बाकी जो ईमानदार होगा उसके ऊपर देखेंगे विचार करेंगे कहना जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका नाम मेरा नाम मुकेश कुमार है सर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ बीजेपी की अगर देखा जाए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो ये मोदी जी की तरफ से या फिर सुधीर सिंगला जी की तरफ से ये हम मोदी जी की तरफ से कर रहे हैं मतलब सुधीर सिंगला जी का इतना ज़्यादा नहीं नहीं उनका अपने जगह है मोदी जी का अपनी जगह है और वहीं अगर हम बात करें किसी अन्य पार्टी के कैंडिडेट्स की जैसे मोहित मदनलाल ग्रोवर जी और INLD पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो अपनी जगह है ये अपनी जगह है पार्टी की लहर तो है ही बीजेपी की हाँ बीजेपी की लहर है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो नथिंग कांग्रेस कुछ नहीं मतलब इस बार थोड़ा नहीं होगा हाँ नहीं अश्विनी शर्मा का क्या हाल होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके साथ भाई साहब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता अश्विनी शर्मा जी ठीक है खड़ा होना सबका हक है निर्दलीय हाँ निर्दलीय है ठीक है खड़ा होना सबका हक है वो अपनी जगह है इसमें क्या बात है खड़े होने को तो 20 जने खड़े सबका कोई वो नहीं है इस बार हरियाणा में खट्टर या हुड्डा कौन होगा बेहतर हुड्डा हुड्डा मतलब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप नहीं सपोर्ट तो हम बीजेपी को करते हैं लेकिन आपने कहा खट्टर या हुड्डा हुड्डा बेहतर होगा क्योंकि वो अभी लीडिंग पार्टी में नहीं है अच्छा तो वो कुछ ना कुछ बढ़िया करके दिखाएगा तो मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे हम तो बीजेपी को देते हैं उसी को देंगे थोड़ा समझ नहीं आ रहा मतलब पहले हम बीजेपी को वोट देते हैं बीजेपी को ही वोट देंगे और सुधीर सिंगला जी बहुत बढ़िया आदमी हैं और मोदी जी उनके ब्रांड है तो बात एक ही अगर वहीं बात करें मदन लाल ग्रोवर की मोहित मदन लाल ग्रोवर की तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखो वो अभी राजनीति में नए नए आए हैं तो वो अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं अब ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कहाँ पे तो आपको ऐसा ही लगता है कि हमें जिस तरीके से मतलब वो अभी अभी नए नए हैं तो उनके मन में कुछ आशाएं होंगी तो उससे वो ज़्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे नहीं नए तो अभी सुधीर सिंगला जी भी हैं तो वो ज़्यादा भी अच्छे कर सकते हैं और फिर उनके साथ पार्टी भी है ब्रांड का नाम भी है और सेंटर में भी उनकी ही गवर्नमेंट है तो उस चीज़ का बड़ा सपोर्ट मिलता है वहीं बात करें आम आदमी पार्टी में सुखबीर कटारिया की उसके बारे में आपका सुखबीर कटारिया तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर हैं वो आम आदमी पार्टी में तो RS राठी हैं रणवीर सिंह राठी उनके बारे में नहीं सुखबीर कटारिया भी आदमी बढ़िया हैं वैसे लेकिन पार्टी की छवि खराब है आजकल तो फिर क्या कह सकते हैं आम आदमी पार्टी में रणवीर सिंह राठी आदमी बढ़िया हैं वो भी लेकिन अब पार्टी को कौन कितना सपोर्ट करता है हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उसी को करेंगे आज भी और आगे भी हम बीजेपी हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल थैंक यू